दोस्तों 30 दिसंबर का दिन संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही दुख का दिन रहा है, क्योंकि भारत को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री देने वाली माँ हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं रही है। कहा जा रहा है कि हीराबेन को स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, जिसके कारण उन्हें 28 दिसंबर को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद 30 दिसंबर शुक्रवार को 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हो गया। न्यूज के अनुसार हीराबेन को अंतिम विदाई देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राजभवन से वर्चुअल जुड़कर पश्चिम बंगाल चले गए हैं, और प्रधानमंत्री की मां के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शोक जताया है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी ने भी अपना शोक जताते हुए कहा कि भगवान हीराबेन की आत्मा को उनके चरणों में जगह दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर के शमशान घाट पर अपनी मां की अंतिम यात्रा पूरी करने के बाद वहां से रवाना हो गए, और हीराबेन के घर अभी भी उनके घर वाले मौजूद है। पर दोस्तों हीराबेन जैसी कई माओं के लिए भारत हमेशा कर्जदार रहेगा। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि इन तरह की पुण्य आत्मा को सत सत नमन।